आज की वीडियो उन सभी कोरियन डाई हार्ट फैंस के लिए जिनके फर्स्ट एपिसोड देख लेने के बाद आपको मजबूर कर दे पूरी सीजन देखने के लिए। तो भरोसा रखिए भाई, आज की लिस्ट में सिर्फ ऐसे ही टॉप 10 कोरियन ड्रामा सीरीज जिन्हें हम इमोशंस कहते हैं। अगर कोरियन ड्रामा के डाई हार्ट फैन है तो इस लिस्ट की एक भी सीरीज को मिस ना करिएगा। तो भाई ऐसे ही सिर्फ इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए और यकीन मानिए आप तक सिर्फ कोरिया का इमोशंस ही लाया जाएगा। नंबर 7 की ड्रामा सीरीज। अगर भाई कोरियन वेब सीरीज में रोमांस ड्रामा से हटकर कुछ साइफाई एपोकलिप्टिक दुनिया पे बेस्ड सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। कोरिया की तरफ से जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया साइफाई एडवेंचर के साथ ब्लैक नाइट। स्टोरी भाई, हमारी धरती पे उल्का पिंड गिरने से पूरी धरती तबाह हो चुकी है और पूरे कोरिया रेगिस्तान बन चुकी है जिसमें सिर्फ 1% ही लोग बचे हैं जो धरती के नीचे रह रहे हैं। स्टोरी फोकस कुछ डिलीवरी मैन पे है जो लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी करने का काम करते हैं। सीरीज की कॉन्सेप्ट भाई काफी खतरनाक है, कोरिया की तरफ से है तो आपको फील नहीं होने देगी। कोरियन ड्रामा में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस ड्रामा सीरीज को जरूर देखिए। केवल 6 एपिसोड नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज। अगर आपको टीनेज स्कूल ड्रामा पे बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना पसंद है, ऊपर से ट्रायंगल लव स्टोरी हो तो देखने में भाई मजा आएगा। ये सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी जिसे हाल ही में मिनी टीवी पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया रोमांस ड्रामा के साथ चीयर अप। स्टोरी फोकस भाई जनरली एक यूनिवर्सिटी के चीयर अप स्क्वाड क्लब और हमारी लीड एक्ट्रेस पे बेस्ड है जिनका प्रायोरिटी है कि सिर्फ पैसा कमाना, जिन्हें इस चीयर अप क्लब में ज्वाइन होने के लिए पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद से भाई सीरीज में देखने को मिलती है वो ट्रायंगल वाला लव स्टोरी। इस तरह की ट्रायंगल लव स्टोरी भाई काफी कमाल की होती है। वो लव वाला इमोशन, वो जेलेसी देखने में मजा बहुत आता है। और सबसे खास बात भाई, इसके स्टोरी लाइन रोमांस और कॉमेडी को अच्छी तरह से बैलेंस किया है। सीरीज वन टाइम मस्ट वॉच रहेगा, हिंदी डबिंग के साथ मिनी टीवी पे फ्री में अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज। भाई ये कोरिया वालों अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ऑडियंस के साथ इमोशन से कैसे खेलते हैं। ये ड्रामा सीरीज देखते देखते कब आपकी इमोशंस बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। 2019 की सुपर डुपर हिट मेडिकल रोमांस ड्रामा के साथ डॉक्टर जॉन, ऐसी फुल टेंशन के साथ डॉक्टरों पे बेस सीरीज देखने का एक अलग ही अपनी मजा है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट को इस ड्रामा सीरीज को देखनी ही चाहिए, आपको पॉजिटिव चार्ज कर देगी। वो व्हाइट कोट गले में स्टेथोस्कोप की स्वैग ही कुछ अलग होती है। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 5 की कोरियन सीरीज। ग्लैमरस से भरी सोशल मीडिया के पीछे की दुनिया उनकी डार्क साइड को हमारे सामने रख है। नेटफ्लिक्स की तरफ से जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 23 की सेलिब्रिटी। ग्लैमरस से भरी इस इन्फ्लुएंसर की दुनिया में एक ऐसे ही साधारण सी लड़की की है जिसे एकदम से सोशल मीडिया पे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। कैसे आप सीरीज में देखो जिसके पीछे छिपी है भाई मर्डर जैसी भयानक मिस्ट्री। एक दिन एकदम से हमारी लीड एक्ट्रेस अपनी सोशल मीडिया पे लाइव आती है हर एक की ग्लैमरस से भरी इनकी दुनिया के पीछे की डार्क साइड को रिवील करने। उसके बाद से भाई एक एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को कह कह कर लेना स्टार्ट करती है। वो देखने में मजा बहुत आएगा, कैसे भाई जो मर चुकी है वो लाइव कैसे आ सकती है जिसके पीछे छिपी है भाई भयानक मिस्ट्री। आप सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो, नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की ड्रामा सीरीज। यार कुछ भी कहो, डॉक्टरों पे बेस्ड वेब सीरीज देखने में एक अलग ही अपनी मजा है, कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, जिसे हाल ही में मिनी टीवी पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया मेडिकल ड्रामा के साथ हार्ट सर्जन। एक डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं होती। आप डॉक्टर होने के बावजूद भी आप अपनी माँ का इलाज ना करा सके, वो बेबसी, वो लाचारी, ये सीरीज आपको लिटरली फील कराएगी। और हम सभी जानते हैं भाई कोरिया इमोशंस की नब्ज को पकड़ता है। डॉक्टरों पे बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो जरूर देखिए। इनकी हमेशा से एक खासियत रही है, इनकी स्क्रीन प्ले एकदम टाइट रहती है जिसके वजह से सीरीज आपकी आंखों के सामने से कब निकल जाएगा आपको पता ही ना चलेगा। सर्जरी के दौरान आपको क्विक डिसीजन लेनी पड़ती है, अगर जरा सा भी भूल हुई तो आपकी कैरियर बर्बाद हो सकती है। ये सब देखने को मिलेगा फ्री में हिंदी डबिंग के साथ मिनी टीवी पे अवेलेबल। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज। अगर आप कोरिया की एक ऐसी रोमांस ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं जिनकी रोमांटिक थीम इंगेजिंग हो, जो आपको बिना बोर किए चलता जाए तो ये नेटफ्लिक्स सीरीज आपके लिए। हम बात करें जिससे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया रोमांस ड्रामा के साथ किंग्स द लैंड। एक एम्प्लॉय और एक बॉस के बीच वो रोमांटिक थीम काफी कमाल की होती है। बस भाई नेगेटिव पॉइंट, अब नेटफ्लिक्स भी बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह निकला हर वीक एपिसोड रिलीज करना। आखिर क्यों हम डाई हार्ट फैंस हैं एक बार में बिंज वॉच करते हैं। नेटफ्लिक्स वालों
बाकी OTT प्लेटफॉर्म की तरह चीप हरकत मत करो। नंबर 3 की सीरीज यार इतनी बारीकी और परफेक्ट तरीके से सिर्फ कोरिया ही हमारे सामने रख सकता है। जब कोरिया की कंटेंट और नेटफ्लिक्स की क्वालिटी मिलती है तो सिर्फ सीरीज नहीं भाई मास्टरपीस सीरीज बनती है। इस ड्रामा सीरीज ने प्रूफ कर दिया। हम बात करें जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ ब्लड हाउंड्स। बॉक्सर और एक लड़की मिलकर भाई पावरफुल लोगों से मनी लैंडिंग जैसी बिजनेस में हो रहे क्राइम को रोकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। खासकर लीड एक्टर की एक्टिंग उनकी मासूमियत या सीधा आपकी आंखों में बस जाएगी एकदम क्यूटी पाई जैसा। गर्ल्स दूर ही रहना इनसे गहरा क्रश हो सकता है। टॉप क्लास लेवल की हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जरूर देखिए। नंबर 2 की ड्रामा सीरीज की कॉन्सेप्ट भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या पास्ट लाइफ अपने अतीत में जाया जा सकता है क्या। नंबर 2 की कोरियन सीरीज आपको हर एक एंगल से दिखलाने की कोशिश करती है वो भी कोरिया की अंदाज में। 2020 की ड्रामा फैंटेसी के साथ 365 रिपीट द ईयर। Do you believe me that I'm a lonely soul? क्या आपको अतीत अपने पास्ट लाइफ में जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे क्या ऐसा संभव है। हाँ भाई पर इसके लिए देनी पड़ेगी अपनी लाइफ की बड़ी कुर्बानी यहाँ तक कि आपकी जान भी। तो बताइए क्या आप अपने अतीत में जाना चाहेंगे। स्टोरी में आपको यही देखना है 10 लोगों को 1 साल पहले अपने अतीत में भेजा जाता है। क्या अतीत में बदलाव करने से फ्यूचर बदल सकती है करने से क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये सब देखने को मिलेगा इस ड्रामा सीरीज में। बस भाई इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है इसके MX प्लेयर की तरफ से घटिया हिंदी डबिंग यार। थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी लेकिन फिर भी ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे जरूर। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में MX प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की ड्रामा सीरीज उन सभी के लिए जिन्हें टीनएज स्कूल ड्रामा पे बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है। तो ये कोरियन ड्रामा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ड्रामा में से एक हो सकता है। 2015 की रोमांस ड्रामा के साथ हु आर यू स्कूल 2015। जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज भाई गजब का इमोशंस है पर नेटफ्लिक्स ने हम डाई हार्ट कोरियन फैंस को डिसअपॉइंट किया है ऐसी इमोशंस को वीकली रिलीज कर। आखिर क्यों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी चीप हरकत मत करो। हम बात करें जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ सी यू इन माई 19th लाइफ। भाई आपके पिछले 18 जन्म की सारी बातें याद हो और हर एक जन्म अपने प्यार को पाने के लिए लो और हर जन्म में आपका प्यार आपसे छीन जाए तो भाई ऐसी सदियों से चलती आ रही एपिक लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। 18 जन्म लेने के बाद क्या 19वां जन्म में अपने प्यार से मिल पाएगी या नहीं आप सीरीज में देखो और इनकी इमोशंस को फील करो। केवल 4 एपिसोड ने भाई सीरीज ने हमारी फेवरेट लिस्ट में अपनी जगह बना गई। ऐसी कमी सीरीज है भाई जो आपको अच्छी हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाए और वो आपकी इमोशंस बन जाए। बस भाई ज्यादा लॉजिक मत लगाना सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ ऐसी ही क्वालिटी और कोरिया की सिर्फ इमोशंस के लिए एक सब्सक्राइब आपके तरफ से। और आइए इस लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।